नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सोल्यूशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में अपना जो नेक्स्ट एफिडेविट है पेश करे, और फाइनली आज आरबीआई और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना सेकेंड एफिडेविट पेश कर दिया है, मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट व्यू से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने क्या क्या पॉइंट रखे और उनसे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और साथ में आपको पीछे बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इधर मैं अभी गांव में आ रखा हूं और गांव में आकर ही मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट है, सेकेंड एफिडेविट आज पेश किया है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट मेंशन किया गया है, और इस एफिडेविट की कॉपी आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है सेव देम इंडिया फाउंडेशन, उधर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश किया गया है, उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेंशन किया गया है कि लोगों और बोरोवर्स की प्रॉब्लम और फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने समय समय पर रहते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बहुत ज्यादा चेंजिंग किए हैं। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से लेकर मई तक और जून जुलाई और अगस्त तक, यानी लगभग 6 महीने का मोरेटोरियम सभी बोरोवर्स को प्रोवाइड किया गया था ताकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से पूरी तरह से उभर सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया कि जितने भी सभी एमएसएमई लोन है, यानी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन है, उसके बाद जितने भी पर्सनल लोन है, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था, केंद्र सरकार ने उसको पूरी तरह से माफ कर दिया है। और केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि जो 15 से लेकर 20 हजार करोड़ रुपए का जो एडिशनल बोझ जो इंटरेस्ट का पड़ेगा, केंद्र सरकार खुद उसको सहन करेगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है कि मोरेटोरियम को आगे एक्सटेंशन के लिए 6 अगस्त 2020 को रेजोल्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क की जो पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली थी। आपको पता होगा कि 6 अगस्त 2020 को जो पीछे मीटिंग हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, जिसके अंदर COVID-19 रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क की एक पॉलिसी निकाली थी ताकि उसके अंदर 2 साल तक का लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन और लोन रिस्ट्रक्चर की पॉलिसी लेकर आई थी। तो इस एफिडेविट में उस चीज का भी जिक्र किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां और जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, गवर्नमेंट ने उनको भी रिलीफ दी है, और इसी रिलीफ के लिए केवी कामत कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रिकमेंडेशन किया था, और इस रिपोर्ट ने 26 जो बड़े बड़े सेक्टर हैं उनकी रिकमेंडेशन दी थी कि इन 26 सेक्टरों को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर इस तरह के बोरोवर किसी ने लोन ले रखा है और वो 26 सेक्टर में आते हैं, तो वो जो COVID-19 की जो पॉलिसी है उसमें मोरेटोरियम और 2 ईयर तक का जो लोन रिस्ट्रक्चर की पॉलिसी ले सकते हैं। एफिडेविट में आगे मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन को एनपीए और उनकी ग्रेडिंग को कम करने से मना कर रखा है, तो इसी वजह से बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन का क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रही है कि कौन से लोन को एनपीए करना और कौन से लोन की जो ग्रेडिंग है उसको कम करना, यानी उनको नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में डालना है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जो अपना आदेश पारित किया था कि आगे 2 महीने तक लोन एनपीए में नहीं जाएगा और साथ में जितने भी स्टैंडर्ड अकाउंट है उनको नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इसी को लेकर दोबारा इसमें एफिडेविट में अपील की गई कि सुप्रीम कोर्ट जो उस आदेश को हटा ले ताकि जितने भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है लोन को क्लासीफाई कर पाए कि ये लोन एनपीए में है या ये लोन नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में है, ताकि हम आगे लोन रिकवरी जितने भी और प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकें। उसके बाद इसमें नेक्स्ट मेंशन किया गया है, यदि किसी भी बोरोवर्स को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या फिर कोई भी अगर कंपनी का अगर लोन चल रहा है, या आपको पता है कि सेक्टर वाइज अगर लोन है, अगर वो एडिशनल मोरेटोरियम लेना चाहता था, तो उससे रिलेटेड जो 6 अगस्त की जो पॉलिसी है रिजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क, उसके अगेंस्ट में वो उस चीज का बेनिफिट उठा सकता है, यानी वो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क की पॉलिसी के हिसाब से आगे मोरेटोरियम एक्सटेंड कर सकता है। और इसमें आगे ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आगे बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार अगर मोरेटोरियम को एक्सटेंड करती है, तो बैंकों की हालत बहुत दयनीय हो जाएगी, बैंकों के पास लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं रहेगी और लिक्विडिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और जिसका बड़ा जो आर्थिक संकट है बैंकों के ऊपर आसका। तो ये मेन पॉइंट थे दोस्तों जो आज एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। इनकी जो पीडीएफ कॉपी है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा @SaveThemIndiaFoundation, और आप मेरे को ट्वीट भी कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट नीचे है, उधर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी जो आरबीआई ने दोस्तों आज एफिडेविट दिया है उसमें मेन पॉइंट
कैबिनेट क्लियर किया है कि जो मोरेटोरियम एक्सटेंशन है वो फर्दर बढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ में जो इंटरेस्ट के ऊपर जो एडिशनल इंटरेस्ट लग रहा था वो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने उसका जो 14-15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपये का जो बोझ है अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन मोरेटोरियम का अभी तक इसके अंदर पूरी तरह से कोई भी जिक्र नहीं किया। अब दोस्तों फाइनली देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट वर्डिक्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम एक्सटेंशन से लेकर अपने क्या नए अपडेट लेकर आती है, कितने लोगों को मोरेटोरियम एक्सटेंशन मिलता है, अगर मोरेटोरियम एक्सटेंशन मिलता है तो उसके लिए जो नए टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे जो हमने मुहिम छेड़ रखी है लोन रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट और साथ में लोन रिस्ट्रक्चर के अगेंस्ट, प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग केस फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट लोन रिकवरी के और लोन रिस्ट्रक्चर के, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।